अभी हम लोग घर पहुंच गए, अब घर की हालत मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो मैं खाना बना रही हूँ। खाना वैसे इरम ने बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, हमारे आने से पहले ही बनाया था। खाना वाना वहाँ खा कर आए थे, लेकिन अभी शाम की तैयारी है। वैसे हम पहुँचे ही शाम को है, तो ये रात की तैयारी है। चाय भी पिलाई है बहुत मज़े की रमिया ने। तो अभी बस घर पहुँचे हैं, तो घर की तैयारियाँ कर रहे हैं और घर की हालत मैं आपको दिखाऊँ। तो आप देखिए घर बना हुआ क्या है। जल्दी से बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, क्योंकि सुबह फिर चर्च भी है। तो कोशिश ये है कि हम उनको चर्च लेके जाऊंगी बैलू को। तो खाना मैंने बना लिया है भाई। एमो को खाना था चिकन, तो मैंने बनाया उसके लिए, और वो मैडम बनवा के सो गई है। चलिए अब सुबह उठ के खा लेगी, क्योंकि उनकी रूटीन बहुत अच्छी हुई है। तो मैं नहीं चाहती कि उसको जगाऊं और फिर उसकी रूटीन ख़राब हो। तो अभी बस करते हैं दूध बॉयल, और मैंने करना है चेंज। और घर की हालत जो थी वो तो मैंने दिखाई नहीं, लेकिन जो मैंने कर लिया है वो आपको दिखाते हैं। और ख़ुद भी चेंज कर लूँ, फिर मैं कैमरे के सामने आऊँगी, इसीलिए मैं कैमरे के पीछे रह के ही बात कर रही हूँ आपसे। फीडर बॉयल, और ये मेरा ही कारनामा है। ये जाने से पहले मैंने किया था, दूध हो चुका था ख़राब, तो ये मैंने खोया बनाने के चक्कर में अपनी पतीली को ऐसा कर लिया था। अभी बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी एकदम से ये साफ नहीं हुई। और उसके साथ साथ सारा सामान ख़त्म था, तो अभी बस फिर से एक नई लाइफ शुरू कर रहे हैं। और ये आ गया दूध, और ये मैंने बना लिया है खाना। तो अभी बस सैम नहा रहे हैं, क्योंकि सीधा हम लोग अब्बू की तरफ गए थे। तो रोटी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि बहुत थक गई थी, तो वो बाहर से ही ले आए। सालन मैंने घर पे बनाया था। तो मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ, और मैं आपको एक नज़र खींची भी दिखा चुकी हूँ। अभी बिल्कुल बहुत साफ तो नहीं किया, अभी तो जो कुछ लाए हैं ऐसे ही पड़ा है। दादू और एमो सो रहे हैं, तो ये मैंने अपनी शर्ट बांध ली, क्योंकि मैंने टॉवल भी अभी तक नहीं निकाला। उसके बाद ये रहा मेरा दूसरा रूम, इसकी भी इतनी अच्छी हालत नहीं। सारे कपड़े हम लोग पंजाब लेकर गए थे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो कि मुझे सेट करनी है, आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। तो जी, और जी अपने घर का सुकून तो फिर अपने घर का होता है। बहुत घूमे, बहुत फिरे, और मैं आ गई अपनी जगह पे वापस। दूध के पास खड़ी हूँ, चाय बनाने लगी हूँ। सैम नहाने गए हैं जैसे कि मैंने बताया है। वो फ्रेश जब तक होंगे तो मैं चाय भी बना लूँगी, पर मुझे लग रहा है गैस नहीं बनाने देगा, तो सिर्फ दूध ही गर्म होगा। और फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर मैं चाय रखूँगी। टाइम काफ़ी हो गया है, और ट्रेन ने बहुत बहुत लेट कर दिया था, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हमने तकरीबन कल 5 बजे बैठे थे, और आज हम लोग 3 बजे आए हैं। तो 22 घंटे का सफ़र किया है, जब कितना सफ़र है नहीं, कितना है ये मुझे नहीं पता, सनी भाई से पूछूँगी कितने घंटे का सफ़र है। तो मैंने उनसे भी कहा था कि घर चक्कर लगाएं, लेकिन उनकी डबल ड्यूटी थी तो वो नहीं आ सके। तो जी अपने घर आके बहुत सुकून मिला, लेकिन घर को साफ करके बहुत दिमाग दर्द हो गया, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब थी। तो पहले घर को नीट किया, फिर खाना बनाया, क्योंकि एमओ मैडम को खाना था। तो मैंने सोचा इतने दिन उसको देसी घर का खाना दिया है, तो थोड़े दिन परहेज़ करते हैं, फिर ही बाहर का खिलाएंगे। इसलिए मैंने जो कुछ भी था थोड़ा बहुत घर पे ही बना लिया। और ये देखें, ये मैं लाई हूँ गाँव से साग, मतलब ये बहुत सारा था। तो सना लाई थी, तो उसने वो उसके वो जो कहते हैं हिस्से बनाए, तो हमारी फैमिली के लिए बहुत है। वो तो आपको मेरी पतीली से और मेरे खाने से आइडिया हो जाता होगा कि हम दो हैं। अम्मी अब्बू कभी ऊपर होते हैं, कभी सबसे ऊपर होते हैं, तो बच्चे साग वाग तो नहीं खाते, चिकन विकन तो चले खा लेते हैं। तो कल मैं बनाऊंगी साग, साथ होगा बटर और रोटी या फिर पराठे। चावल बहुत लोग बहुत शौक से खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन चावलों का मुझे वो मज़ा नहीं आता साग के साथ। चावल साग के साथ देसी घी के साथ रोटी हो जाए या फिर पराठे हो जाए। तो अभी वेट कर रहे हैं सैम का, सैम साहब आए तो हम करें खाना स्टार्ट। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि जितना इरम ने खिलाया था उससे ज़्यादा मैंने घर पे आके मेहनत कर ली है। और अभी मैंने किसी कपड़े को हाथ नहीं लगाया, और मेरी जो सास है मतलब पप्पो, वो नीचे आके यही बोल के गई है कि कपड़े वपड़े ना तो ही कल हो जाएंगे, अभी जस्ट रेस्ट करो, थक गए हैं, क्योंकि वो भी साथ ही थे।
अभी बस घर की रूटीन में आएंगे वापस, और आंखें देखे मेरी स्वेल हुई हैं क्योंकि ट्रेन ने बहुत थका दिया था। तो अभी खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। टाइम भी आ गए, अब हम लोग खाने लगे हैं खाना। तो चले जी, इसके साथ ही हम करेंगे अपनी वीडियो का एंड। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।